ऐसे मत रूठो जगदीश, हो मेरे मत रूठो जगदीश, ऐसा प्रभु हो ही जाता है। जब भगवान के राम के राजा अभिषेक की तैयारी हुई सब बड़े प्रसन्न हुए, माता कौशल्या भी प्रसन्न हुई और सबसे ज्यादा प्रसन्नता, और पति की अगर सफलता हो तो पत्नी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो सीता जी भी बहुत खुश हुए कि मेरा पति कल गरीबों का नवाज होगा। लेकिन जब भगवान को राजा अभिषेक की तैयारी की गई वो समय अलग था, और दूसरे दिन जैसे ही समय बदला तो क्या हुआ, बोले फिर गए क्यों वन में सीता राम, फिर गए क्यों वन में सीता राम, ऐसा तो प्रभु कोई जाता है। मेरे मत रूठो जगदीश, ऐसा तो प्रभु कोई जाता है।
किसी मुर्दे पर गिर जाए है भगवान, ऐसा वेद कहते हैं कि मुर्दा भी उठ जाए और मर्दों से अड़ जाए भगवान। आपके चरणों की ठोकर किसी पत्थर से लग जाए भगवान, ऐसा वेद कहते हैं कि पत्थर भी नारी अहिल्या बन जाए भगवान। फिर लिखा है, फिर मरे क्यों खुद के पिता दशरथ, फिर मरे क्यों खुद के पिता दशरथ, ऐसा तो प्रभु होई नहीं सका अगर मार तो रण में उसे ललकारूंगा, कोई पाताल में भी छिप जाए उसे पाताल फोड़ निकालूंगा। हे प्रभु, आपने जो वनवास धारण किया तब आपने कहा कि मैं सब निशाचरों को मारूंगा, इस पृथ्वी को निशाचर विहीन कर दूंगा, लेकिन समय बदला तब, फिर मारा क्यों छुप करके पाली, फिर मारा क्यों छुप करके पाली, ऐसा तो प्रभु कोई जानता We'll be right back.
जीत का डंका बजवा दिया। हे प्रभु, आपने रावण को मारकर अश्वमेध यज्ञ किया और उसका घोड़ा छोड़ा और आपने पूरी दुनिया में जीत का डंका बजाया कि राम से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। और लिखा है, अपनी भक्ति और शक्ति के प्रताप से कवि की कलम को दबा दिया, जीत हो गई यूं रामायण में लिखवा दिया। हे प्रभु, आपने रावण को मारा, वो समय अलग था, लेकिन अब समय बदला है। समय बदला तब फिर हारे क्यों पुत्र लव कुश से, फिर हारे क्यों पुत्र लव कुश से, ऐसा प्रभु कोई का दीवाला निकल गया, फिर बचा क्यों पापी ये जगदीश, फिर बचा क्यों पापी ये जगदीश,